हेलो गाइस, मेरा नाम है आशीष। हब ऑफ सॉल्यूशन टेक एक्सेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सब लोगों ने वैसे तो टाइटल पे देख ही लिया होगा, मैं आज आप लोगों को नवरात्रि की स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में, और स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताता भी रहूँगा कि स्क्रिप्ट कैसे बनानी है, उससे वेबसाइट कैसे बनाने हैं, कैसे ऑनलाइन अर्निंग करनी है और कैसे पैसे आप कमाते रहोगे। जैसे कि नवरात्रि का फेस्टिवल आ रहा है, हम सब एक दूसरे को विशेष करते रहते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सब लोगों को विशेष करते रहते हैं, लेकिन हमको अभी तक कुछ फ़ायदा आपने लिया नहीं होगा। लेकिन ये बार मैं आप सब लोगों को एक स्क्रिप्ट देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने का भी तरीका भी बताऊँगा, वो आप करते जाना। आप एक वेबसाइट भी बना लोगे, उसके जरिए पैसे भी अर्निंग करोगे, आप विशेष भी करते रहोगे और पैसे भी अर्निंग ऑनलाइन करते रहोगे। तो गाइस, मेरा ये वीडियो पूरा देखना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, बीच में कहीं पर स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, फिर पीछे जाकर आप कहोगे कि मेरा ऑडियो नहीं चल रहा है, मेरा बैकग्राउंड नहीं आ रहा है, मेरा बैकग्राउंड में डेस्कटॉप में दिखाई दे रहा है लेकिन मोबाइल में नहीं दिखाई दे रहा है, लैपटॉप में अच्छी स्क्रीन आ रही है लेकिन मोबाइल के अंदर अच्छी स्क्रीन नहीं आ रही है। फिर ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो आप बोल कहोगे कि ये नहीं चल रहे हैं उस, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो अच्छे से देखते रहना, मुझे फॉलो करते जाना। 110% आप लोग सक्सेसफुल हो जाओगे और थोड़ी बहुत अर्निंग भी कर लोगे कि आप लोगों का थोड़ा खर्चा निकल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग मेरी स्क्रीन पर ही हो, लैपटॉप की आप पीछे देख ही रहे हो, लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो जैसे कि आप सब लोग देख ही रहे हो, यहाँ पर करना कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ सेट करके रखा है। आपको जस्ट मेरी पहले ये वेबसाइट खोलनी है techassist.com, इसकी भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बस वहीं पर जाकर आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, techassist.com पर क्लिक करके आप ये सीधा वेबसाइट पर आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद ये नवरात्रि विशिंग स्क्रिप्ट है, वहाँ पर क्लिक कर दीजिए आप। यहाँ से आप लोगों को नीचे जाओगे, यहाँ पर भी डिटेल्स पूरी दी हुई है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप जैसे भी देखोगे तो पता चल ही जाएगा, आप लोग देखते ही जाओगे कि ऐसे ऐसे है स्क्रिप्ट, कैसे करना है, क्या क्या स्टेप्स है उसको फॉलो करना है। यहाँ पर जाकर आप डाउनलोड स्क्रिप्ट करके, पूरी स्क्रिप्ट है वो डाउनलोड कर सकोगे। तो पहले यहाँ पर जाकर आप स्क्रिप्ट डाउनलोड कर लेना क्लिक कर। स्क्रिप्ट जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी, ये रही स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट को ऐसे ही कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसको डाउनलोड ही करना है। डाउनलोड करने के बाद उसको नॉट प्लस प्लस में ही ओपन करना है। ये मैंने डाउनलोड कर लिया है स्क्रिप्ट को, अभी मैं उसको ओपन कर लूंगा। नॉट प्लस प्लस में ही आप सभी को ओपन करना है, मैंने पहले से करके रखा है, सो आप देख लो। डायरेक्ट अभी उधर ही ले चलता हूं मैं आपको। तो गाइज, आप लोगों को देखना है अगर वो स्क्रिप्ट कैसी चलती है, कैसे दिखाना है, तो आप दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, वो भी दिखा देता हूँ। बहुत ही अच्छी है, बढ़िया है। आप देखो ऐसे तरीके से आएगी पूरी स्क्रिप्ट, माता जी का पीछे फोटो लगा हुआ आएगा, इसकी तरफ से यहाँ पर नेम आएगा, आप शेयर का बटन नीचे दिया हुआ है, नेम के साथ आप देखने जाओगे तो पूरा नेम आएगा यहाँ पर, कि जो भी नेम होगा, मेरा नाम आशीष है तो आशीष की ओर तरफ से आप सभी को करके पूरा विशिंग का आएगा। यहाँ पर आप अपना नाम लिख के यहाँ से शेयर कर सकते हो, ऐसा पूरा आएगा। ये पूरी डिज़ाइन चल रही है साइड पे, बॉर्डर सब कुछ, ये सब कुछ सेट करके ही रखा है। आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो। ये देखो मैंने अपनी अमेज़न की एड लगाई है यहाँ पर, जिसके ज़रिए मैं यहाँ से अर्निंग करता हूँ। आप चाहो तो अपनी एडसेंस का भी अप्रूवल लेकर एडसेंस। गाइस, ये साउंड मुझे यहाँ पर है, साउंड मुझे स्टॉप करना पड़ेगा, नहीं तो ये साउंड रखूँगा तो कॉपीराइट में आ जाएगा, इसलिए साउंड मैंने ऑफ कर दिया है। जैसे कि आप देख रहे हो, देखो ये ऊपर भी माता जी का फेस है, फिर ये लिखा हुआ है पूरा सारा, यहाँ पर एड हुए, अमेजोन की एड है। आप चाहो आपकी
गूगल एडसेंस का अप्रूवल है आपके पास, या तो इसके ऊपर से एक अप्रूवल लेकर आप कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम चला जाएगा और टाइम उतना है नहीं। सो बेटर है कि आप ये अमेज़ोन या ऐसा कुछ अफिलिएट का काम करते हो तो वो एक कुछ भी लगा कर, या कोई और दूसरी कोई ऐड का जिसका अप्रूवल फटाफट मिल जाए, पॉप एड्स है और ऐसा कोई किसी का भी लेकर यहाँ पर आप ऐड अपनी लगा सकते हो। वो सब मैं धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। ऐसा ये पूरी ये स्क्रिप्ट के बारे में अभी तो मैं बता रहा हूँ कैसी स्क्रिप्ट है, और यहाँ पर आप सब अपने किसी का भी आपका खुद का नाम करके यहाँ पर गो करके शेयर करोगे तो आपका फ्रेंड्स के साथ शेयर हो जाएगा और उसके मोबाइल पे दिखाई दे रहेगा कि इसकी तरफ से आपको ये है वो है। तो दोस्तों ये थी हमारी स्क्रिप्ट। अभी मैं आप लोगों को ले चलता हूँ, वापस हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा था आपको डाउनलोड कर लिया था हमने स्क्रिप्ट, अभी नॉट प्लस प्लस में हम लोगों ने वो स्क्रिप्ट यार ओपन कर दी है। तो ये ओपन करने के बाद ये रही पूरी स्क्रिप्ट रेडी है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कुछ चेंज करना है तो कर सकते हो, फोटोज चेंज करना हो, ऑडियो चेंज करना हो, वो सब करना है तो कर सकते हो, बाकी कुछ भी करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी सेट है। तो गाइस यहाँ पर ये आप लोगों ने देख लिया, अब हम चलते हैं सीधे अपने ब्लॉगर के अंदर। ब्लॉगर के अंदर आप जाओगे तो ब्लॉगर के अंदर यहाँ पर जाकर आप अपना नया ब्लॉगर खोलना है। न्यू ब्लॉग्स पर चले जाओगे, यहाँ पर क्लिक करके आप सीधा न्यू ब्लॉग्स पर चले जाओगे। न्यू ब्लॉग ओपन करके यहाँ पर टाइटल कुछ भी दे देना आप, चल जाएगा नवरात्रि स्क्रिप्ट या ऐसा कुछ भी, क्योंकि वो सब मैंने सेट करके रखा है। आप जो भी टाइटल दोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नवरात्रि विश ऐसा कुछ भी आप एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो। अभी रहा ये डोमेन के बाद यूआरएल की बात है, तो यहाँ पर गाइज आप लोगों को थोड़ा ख्याल रखना है, थोड़ा ऐसा कुछ अट्रैक्टिव होना चाहिए कि लोग उसके ऊपर क्लिक कर ले ताकि आपको ज़्यादा फायदा हो सके। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसा लिख रहे हैं कि यहाँ क्लिक करें। ऑफकोर्स ये नाम अवेलेबल नहीं होगा, मुझे भी पता था, तो हम कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं पीछे 77 या कुछ भी। तो जो भी नीचे हम शेयर करेंगे हमारे लिंक पे ये लिंक दिखाई देगी, यहाँ क्लिक करें 77.blogspot.com। तो लोगों को दिखेगा कि चलो भाई ये यहाँ क्लिक करे करके है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारी ये ओपन हो जाएगी। तो बेटर है कि ऐसा कुछ नाम ही चुन ले आप लोग। वो करने के बाद आप लोग सीधा आ जाओगे, आपका ये ओपन हो गया है न्यू ब्लॉग। अब न्यू ब्लॉग ओपन होने के बाद आप आ जाओगे थीम के ऊपर, नीचे आकर थीम के ऊपर क्लिक करना है। थीम के ऊपर जाकर आप सब लोगों को एक ख्याल खास रखना है, वो है आप लोगों को थीम सिलेक्ट करनी है। थीम सिलेक्ट करने में आप लोगों को एक ही थीम है जो मैं बताऊंगा, ये वाली ओसम वाली जो स्कीम है वाइट वाली, वही सिलेक्ट करनी है, कोई भी और सिलेक्ट नहीं करनी है। वो भी क्यों, वो भी मैं आप सभी को बताता हूँ, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शंस है, वो भी मैं आप लोगों को आगे बता देता हूँ। ये अप्लाई कर देना है सीधा, यहाँ से पूछेगा गॉट इट तो गॉट इट कर देना है। बस ये थीम आपकी अप्लाई हो चुकी है न्यू ब्लॉक्स के ऊपर आपके, आप देखोगे यहाँ पर आ चुकी है। अभी यही वाली स्कीम थीम क्यों लेनी है, क्योंकि यहाँ पर उसका रीज़न है कि ये देखो यहाँ पर मोबाइल का उसका सेटिंग्स है, तो ये मोबाइल का सेटिंग्स है तो ये मोबाइल में भी अच्छी तरीके से दिखेगी, अपने आप कस्टमाइज हो जाएगी डेस्कटॉप और मोबाइल के हिसाब से। कोई और थीम लोगे आप तो वो मोबाइल के हिसाब से नहीं होगी कस्टमाइज, तो आधी स्क्रीन नहीं दिखेगी और ऐसा सब कुछ हो सकता है। अभी ये करने के बाद हमको मोबाइल सेटिंग्स के अंदर जाना है। मोबाइल सेटिंग्स के अंदर जाकर यहाँ पर हमको डेस्कटॉप पर क्लिक करना है। दोस्तों खास ध्यान रखना, ये चीज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। डेस्कटॉप करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपको लोगों को वापस यहाँ पर जाना है। जाने के बाद आप लोगों को स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम्स पर जाना है। स्विच विदाउट बैकअप पर क्लिक करना है। करने के बाद आपको ऐसा आ जाएगा। ये होने के बाद आपको यहाँ पर वापस आना है, चेंज एनेबी बार पर जाकर यहाँ पर आपको सीधा ब्लैक हो, सिल्वर हो, कुछ भी हो, उसको सीधा हमको ऑफ करके उसको सेव कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आप लोगों का 50% के ऊपर का काम हो चुका है। अब हम यहाँ पर एडिट HTML करेंगे। HTML करने के बाद
हम यहां पर आप देख सकोगे आपका जो है अभी HTML के ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोग जाएंगे हमारे नॉट प्लस प्लस वाले पर जो खोला था हमने स्क्रिप्ट हमारी उस पर जाएंगे कंट्रोल A दबाकर पूरा कॉपी कर लेंगे फिर कंट्रोल C से कॉपी करके सिलेक्ट करके कॉपी करके हम लोग सीधा वापस हमारे ब्लॉक पर आ जाएंगे। यहाँ पर कंट्रोल A सिलेक्ट करके पूरा डिलीट कर देंगे जितना भी लिखा हुआ था HTML का वो सारा का सारा डिलीट करके कंट्रोल V से हमारा जो वहाँ का कॉपी किया हुआ था वो यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये इतना हो चुका है तो हम यहाँ पर इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर जाकर के व्यूज में क्या आ रहा है। तो देखो व्यूज में जाओगे आप ऊपर आ गया हमारा तो हमारा देखो स्क्रिप्ट बन के तैयार हो गई है। आप लोग जैसे देख रहे हो स्क्रिप्ट रेडी है। सो गाइस ऐसे आपकी स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी है। देख रहे हो कितनी अच्छी लग रही है। विथ इन अ 10 to 15 minutes में आप लोग फटाफट से अपनी वेबसाइट बनाकर कर दोगे। फिर शेयर करना है दोस्तों और कुछ नहीं करना है अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेटिव्स के साथ उनको भी वो आगे शेयर करें। जितना शेयर होगा लोग जितने क्लिक करेंगे उतने से उतनी ज़्यादा अर्निंग आपको होती रहेगी। तो फैला दो दोस्तों ये स्क्रिप्ट को पूरे सब जगह पर फैला दो और जितना हो सके उतना कमा लो। धूम मचा के कमा लो मैं तो कहता हूँ। सो गाइस अभी इतना तो आप लोगों ने देख लिया लेकिन इसके अंदर अभी भी बाकी है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एडिट HTML में वापस हम लोग जाएंगे। वहाँ पर जाकर आप लोगों को मैं दिखाऊंगा सो गाइज यहाँ पर वापस आकर HTML के अंदर एडिट HTML में हम वापस आ गए हैं। यहाँ पर आकर हमको कोई भी एक जगह पर आप लोग आपका माउस का क्रसर क्लिक कर दीजिए फिर कंट्रोल F दबा दीजिए सर्च आ जाएगा। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा AdSense क्लिक कर देना। AdSense क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ गया है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये दो है कोड AdSense कोड स्टार्ट हियर। तो इस यहाँ पर आप लोग आपका AdSense का कोड जो आपका है या तो कोई भी एडवर्टाइजिंग जो आपको लगानी है अमेजोन एफिलिएट की लगानी है या तो फिर कोई भी पॉपेट्स की लगानी हो या कोई भी एड मार्वल्स या कोई भी A to Z आपको किसी की भी एड्स लगानी है तो उसके कोड यहाँ पर आपको दे देने हैं। तो जैसे कि मैंने मेरी वेबसाइट पर आपको दिखाया है यहाँ पर मैंने अमेजोन का रखा हुआ था जो आप लोगों ने देखा तो वैसे आप लोगों का भी ऐसे ही एड दिखाई देगी। ये रही ऐसे ही आप लोगों की भी ऐड दिखाई देगी। कोई यहाँ पर क्लिक कर देगा तो सीधा वहाँ पर चला जाएगा और आप लोगों की अर्निंग शुरू हो जाएगी। जैसे कि मेरा ये है ये इसके ऊपर कोई भी क्लिक करेगा तो मेरे अमेजोन अफिलियट मार्केटिंग का मेरा ये देखो ऊपर कोड भी आया गया आशीष देसाई IT करके भी। यहाँ से अमेजोन से कोई कुछ भी परचेस करेगा तो उसका कमीशन डायरेक्ट मेरे अकाउंट में चला जाएगा। सो गाइस आप लोगों ने देख ही लिया है अर्निंग कैसे है। मैंने इसीलिए इसमें रखा है क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में काफ़ी पैसा है तो उसके अंदर ज़्यादा पैसा है तो इसकी वजह से उसका रखा हुआ है। तो लोग परचेस करेंगे तो कमीशन रेट ज़्यादा मिलता है। ऐड में तो क्लिक के ऊपर मिलता है बाकी इसके ऊपर तो कमीशन बेस मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। और आप लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में भी नहीं पता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी लोगों को उसके बारे में भी बताता रहूंगा। हम लोग स्टेप बाय स्टेप वो भी करेंगे सब कुछ आप लोगों को सिखाता रहूंगा बताता रहूंगा। जैसे मैंने सीखा है वैसे आप लोग भी सीख लेना स्टेप बाय स्टेप। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है सब कुछ ईजी आराम से हो सकेगा। सो गाइस मैंने यहाँ पर देख लिया आप सब लोगों ने स्क्रिप्ट कैसे बनानी है कहाँ से डाउनलोड करनी है कैसे वेबसाइट बनानी है कैसे नाम डाउनलोड करना है फिर आप स्क्रिप्ट के अंदर ऐड आपकी कहाँ पर चलानी है कैसे करना है सब कुछ आप लोगों को दिखा दिया है। इसके अंदर आप लोगों को अगर म्यूजिक चेंज करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पर जाओगे नीचे यहाँ पर ऑडियो करके लिखा हुआ आ ही जाएगा नीचे चले जाओ सो गाइस ये देखो यहाँ पर ये देखो आप लोगों को दिख रहा होगा ये ऑडियो करके लिखा हुआ
तो यहाँ पर है उसके बीच में ये कोड है, ये कोड आप पूरा आपका जो ऑडियो चीज जो भी आपको लगाना है वहाँ का आपको पूरी लिंक यहाँ पर आप शेयर कर देना, तो वो आपका ऑडियो वो वाला बचता हो जाएगा। कोई भी सॉन्ग्स आपको चेंज करना है वो हो जाएगा, आपको दोनों फोटो भी चेंज करनी हो तो वो फोटो भी चेंज हो जाएगी, वो भी यहाँ पर मैंने दिए हुए है लिंक। लेकिन वो सब आपको अभी मेरे ख्याल से तो अभी डेज बहुत कम है तो वो सब करने की अभी ज़रूरत नहीं है। उससे अच्छा के शेयर करो, उस पर ध्यान दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मार्केटिंग करो बस, और उसके ऊपर टूट पड़ो गाइस, टूट पड़ो, धमाल मचा दो बस, सो स्टार्ट कर दो। सो सी यू टाटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, अगर पसंद आया हो मेरा वीडियो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिएगा, उसके बाजू में बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि बेल आइकन दबाओगे तो मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसके बारे में आप सब लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। सो सी यू गाइस, टेक केयर, सी यू, टाटा, लव यू ऑल।